बिजली विभाग के कट लगने से सोलन की जनता भारी परेशान है। कभी विभाग द्वारा घोषित कट लगाए जा रहे हैं तो कभी अघोषित कट लगने से कामकाज प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से सोलन शहरवासी बेहद परेशान हैं। विभिन्न माध्यमों से वे उसकी शिकायत विभाग को कर चुके हैं, लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। कोविड संक्रमण के चलते पहले ही शहरवासी मंदी से जूझ रहे हैं, ऊपर से बिजली के लगने वाले कटों से व्यवसाय ठप पड़ा रहता है। इस दोहरी मार से शहरवासी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने इस स्थिति पर भारी रोष जताया है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग किसी भी शिकायत पर गौर नहीं कर रहा है, जिसके चलते शहरवासियों की परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने इस मौके पर बिजली बोर्ड के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपनी बिजली व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त करें, अन्यथा उनका घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इस बारे में स्थानीय विधायक धनीराम शांडिल से बात कर संघर्ष की रणनीति बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग माह में कुछ दिन तो घोषित कट लगा रहा है, लेकिन रोज अघोषित कट इतने लग रहे हैं कि सोलन वासियों का सब्र का बांध अब टूट चुका है। उन्होंने कहा कि आज भी दिन में करीबन 15 बार कट लग चुके हैं, जिसकी वजह से कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जैसा कि आप सबको पता भी है कि आजकल त्योहारी सीजन चले हुए हैं, पूरे साल भर व्यापारियों की जो हालत रही है वो बहुत ही खस्ता रही है। कोरोना की वजह से कई महीनों तक हमारी दुकानें जो है व्यापारियों की बंद रही है, परंतु प्रशासन जहां व्यापारियों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, वहीं आज जो है व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा, ना केवल व्यापारियों के लिए, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि कई तरह के कस्टमर्स भी परेशान हैं। अगर किसी को पासपोर्ट फ़ोटो बनानी है, हॉस्पिटल आया है, उसने कोई फ़ोटो स्टेट कराना है, या बाज़ार में कोई अपनी शादी ब्याह की कोई शॉपिंग करने आया है, तो बड़े बड़े दुकानदारों के पास तो जनरेटर या बैटरी की सुविधा हो सकती है, पर जो छोटे व्यवसायी है उनके पास ये सुविधाएँ नहीं है। तो जहाँ एक तरफ कस्टमर भी परेशान है, लोग भी, आमजन भी परेशान हो रही है, क्योंकि कोरोना है, हर रोज घर से निकलना और बाजारों में आना लोग पसंद नहीं भी करते हैं, और एक तरफ व्यापारी परेशान है कि जहां पर उसने इतने नुकसान पूरा साल सहा, और अब त्योहार जो है एक उम्मीद के रूप में उसके पास है, परंतु इन त्योहारों में भी बिजली के अघोषित या घोषित किसी भी तरह के कट हों, उन दोनों से व्यापारी परेशान है। जब जरूरत होती है पूरे शहर में कट लगते हैं, व्यापारी वर्ग साथ देता है, सुबह से शाम तक कट रहते हैं, परंतु आज सोलन में कटों का और बिजली का मजाक बना के रखा है, व्यापारी का मजाक बना के रखा है। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कट जा रहे हैं, और इसको मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन सुनिश्चित करे, जैसा कि अभी हमारे ध्यान में भी आ रहा है कि ये भी चला रहेगा प्रोसीजर, अगर ये ऐसे ही व्यापारियों को तंग करते रहे, आम जनता को परेशान करते रहे, तो मैं कहना चाहूँगा कि शहरी कांग्रेस इसका विरोध करेगी, और जो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति होंगे उनका घेराव भी करेगी। हर साल की तरह जो कट लगते हैं वो एक अलग बात है, और जो नियमित कट लगते हैं वो भी एक अलग बात है, परंतु हर आधे घंटे के बाद कट लग जाना और फिर लाइट का एकदम से आ जाना, ये तो व्यापारी के साथ धोखा। या तो आप सारा दिन कट लगा लीजिए, या आप हमारे को काम करने दीजिए। आप जो है बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से सोलन को चला रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है हम इसका जो है कड़ा संज्ञान लेने के लिए यहाँ के जो विधायक हैं कर्नल धनीराम शांडिल जी को भी कहेंगे, और उन्हें भी आज हम एक व्यापारियों की तरफ से भी और चिट्ठी भी देंगे, और शहरी कांग्रेस भी जो है उनके कर्नल शांडिल जी के दिशा निर्देश से इसके ऊपर काम करेगा और जिम्मेवार व्यक्तियों का घेराव करेगा।